दुरुदो सलाम के गजरे निछावर हों उस हस्ती पर जो वजह तख्लीके कायनात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असाब पे। नाजरीन, इस वक्त मुल्की सूरत हाल जो है और बिलखसूस पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है वबाई मरस के हवाले से, ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। और वक्त वो आ चुका है कि जिसके अंदर अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो लोग हमसे एहतियात करना शुरू कर देंगे। तो हमें चाहिए कि एहतियात को लाजिम पकड़ें, और हमारे दाएं बाएं चाहने वाले जानने वाले अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है तो हम उसकी जहन साजी करें कि वो अपने मर्ज़ की शनाख्त के लिए किसी डॉक्टर की तरफ आए। और बिलखसूस वैक्सीनेशन का दौर शुरू है, वैक्सीनेशन का अहतमाम किया जा रहा है, तो जैसे जैसे अफराद की बारी आ रही है वैक्सीनेशन को लाजमी पकड़ें। नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी आगाही रखते हैं कि रॉयल न्यूज़ की सहरी की खसूसी नशरियात आपके लिए एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाता है जिससे हमें ऐसी मालूमात हासिल होती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं, और हमारी दीनी, दुनियावी, रूहानी, मुआशी, मुआशरती हर किस्म की ज़िंदगी के अंदर वो मुफीद और कारामत साबित होती हैं। और नाज़रीन, आज भी इसी तरह, चूँकि आज का दिन जो है, एक तो वैसे ही जुमा का दिन है, बरकतों वाला, रहमतों वाला दिन है, दुआएं करने का दिन है, और जुमा के अंदर एक घड़ी ऐसी होती है कि जिस घड़ी में बंदा रब से जो मांगता है रब उसे अपने ऊपर पूरा करना लाजिम कर लेता है, दुआएं भी की जाएंगी और ये कबूलियत की घड़ियां भी हैं। और आज चूंकि 17 रमज़ान है तो 17 रमज़ान को यौमुल फुरकान कहा गया कि फैसले का दिन, यानी कि आज के दिन इस्लाम का पहला मारिका ग़ज़वा बदर हुआ, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यौमुल फुरकान कहा कि जिस दिन ने हक और बातिल के दरमियान फ़र्क किया। और इस ग़ज़वे के अंदर मुसलमानों की दोनों जमातें थी, मुहाजिरीन भी थे और अंसार भी थे। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर पे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराहान भी मौजूद हैं, इन सब का तारुफ करवाएंगे। और आज की इस नशरियात में मेरा साथ दे रही हैं हाफिज़ मोहम्मद वसीम कादरी साहिब, आपका शुक्रिया। और आप इस बात से भी बखूबी इल्म रखते हैं कि हमारी नशरियात का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीजुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरुद पाक पढ़ता है वो शख्स तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला, अजमतों वाला महीना है और आज जुमातुल मुबारक है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने घर में अपने अज़ीज़ो क़ारीब, अपने बच्चों के साथ बैठकर बाअदब होकर हुज़ूर की बारगाह में दुरुद पाक का नजराना पेश करें, और ये बच्चों को सबक दे के करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल न्यूज़ पे रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम हाजिर हैं। मेरे साथ चूँकि रोज़ की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बरादर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद बहराम शाहिद कादरी साहब है, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अपना आगाज़ सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करते हैं। उससे पहले चंद अशार के, मोहब्बतों का समंदर चल रहा है मज़ा दोनों के अंदर बढ़ रहा है। मोहब्बतों का समंदर चल रहा है मज़ा दोनों के अंदर बढ़ रहा है, और नबी के सामने कुरान रख कर ये देखो कि कौन किसको पढ़ रहा है। नबी के सामने कुरान रख कर ये देखो कि कौन किसको पढ़ रहा है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर ज़मीन पर एक कुरान नहीं बल्कि 2 कुरान उतारे हैं। एक कुरान आयात की शक्ल में आया है तो दूसरा कुरान सरापाए मुनीर बन के आया है, यानी ये भी कुरान है वो भी कुरान है, ये भी रहनुमा वो भी रहनुमा, इसमें भी बाकपन उसमें भी बाकपन, इसमें भी रानाइयाँ उसमें भी रानाइयाँ। इस कुरान के सपारे हसीन है, मेरे आका के नज़ारे हसीन है, और इस कुरान की सतरें काली है, मेरे आका की जुल्फे काली है, और इस कुरान को पढ़ने वाला
قاری قرآن بن جاتا ہے اور چہرہ رسول کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے، چہرہ رسول کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے۔ آئیے ناظرین اکرام، عرض گزار ہوں جناب محترم محمد اسد قلندری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت سے ہماری سماعتوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ تو ناظرین، جس طرح پہلے گزارش کی کہ آج کے دن کو 17 رمضان کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کہا، فیصلے کا دن کہا، فرق کا دن کہا، اور آج کے دن اللہ رب العزت نے مومنوں کو غلبہ عطا کیا، عزت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے آسمان سے نشانیوں والے، اور جو پے در پے اترے اور پے در پے آئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں مجھے وہ شعر ذہن میں آ رہا ہے، اور یقیناً میں سنانا چاہتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ اگر آج بھی بدر جیسا ماحول پیدا ہو۔ وہ بدر کا ماحول کیا تھا؟ وہ بدر کے اندر تلوار نہیں ہے، بدن پہ لباس پورا نہیں ہے، سواریاں پوری نہیں ہیں، پھر بھی اس طرح عاشق رسول وہ کس جذبے سے نکلے؟ بقول اقبال کے، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ وہ کس انداز میں لڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی کس قدر محبت تھی،
کس قدر والہانہ عقیدت تھی، اور بالخصوص بدر میں جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب ہو کر کیا کہا اور آگے سے انصار نے کس محبت کے ساتھ اس کا جواب دیا، یہ ساری باتیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو چونکہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نعت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جن شخصیات نے جوائن کیا ہے جو ہمارے خوبصورت ٹاپک پہ بات کریں گے ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹری ہیں محمد ریاض انصاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم سیرت سکالر ہیں، عالمی درود مرکز کے صدر نشیں ہیں اور سیرت ٹی وی کے سی ای او ہیں۔ یہ واحد ٹی وی ہے جس پہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے چیزیں چلائی جاتی ہیں، اور آپ کو تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے سیرت النبی پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس پوری دنیا میں اس وقت آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ میری مراد پیر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ان کے ساتھ موجود ہیں انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے مرکزی صدر ہیں میاں محمد رمضان انصاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے مرکزی چیئرمین میاں عابد حسین انصاری صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یقیناً اس وقت انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے جو پنجاب کے صدر ہیں زبیر انصاری صاحب، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت یہاں اس لیے نہیں آ سکے کہ وہ اس کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اور ان کے گھر والوں میں سے جو جو بیمار ہیں جلد از جلد اس موذی مرض سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے چونکہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو محمد اسد کلندری سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ حدود تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں، حدود تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، میں مانگوں گا حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے،
गे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं, जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं, ये मिसरा सुनते ही मुझे मेरे इमाम का कलाम याद आया कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो नाज़रीन, हमें ज़िंदगी के अंदर जिस तरह भी वसीम भाई ने भी कहा, जुम्मे का दिन है दुरूद पढ़ें। बुज़ुर्गाने दीन कहते हैं वो जो जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया और जो फ़ज़ाइल आए हैं, कसरत से क्या मुराद है कि जो बंदा कम अज़ कम 313 मरतबा जुमे के दिन दुरूद पढ़ता है तो वो कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शुमार होगा उसका नाम। और आज ग़ज़वे बदर का दिन है और बदर में जो मुसलमानों की तादाद थी वो भी 313 थी, और 313 मरतबा कम अज़ कम दुरूद पाक पढ़ें। और इसका ही साले सवाब बदर के अंदर मुसलमान जितने शुराकात थे उसमें से शुहदा और शुराका तमाम की रूह को इस आले सवाब करें। तो नाज़रीन, अब मौजू की जानी बढ़ते हैं और मेरा दिल ये चाह रहा है मौके से फ़ायदा उठाते हुए और मौके को गनीमत जानते हुए, चूँकि हमारे पास एक अजीम सीरत स्कॉलर मौजूद हैं, ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू करने से पहले मैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहिब आपकी जानी मुतवज्जे होता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे नाजरीन तक आप अगर चंद मिनटों में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का खुलासा बयान करें और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को बयान करें, ताकि नाजरीन तक पैगाम पहुँचे कि रब ने जिनकी ज़िंदगी को उसवा हसना कहा है वो ज़िंदगी कितनी शानदार है, रब जिनके शब रोज़ की कसम खाता है उनके शब रोज़ कितने शानदार हैं, रब जिनके कोलो करार की कसमें खाता है, रब को जिनका जिनसे इतना प्यार है कि कुरान कहता है अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, कि रब हर वक़्त आपको तकता रहता है, कि जिनकी ख्वाहिश पे रब ने किबला बदला, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, ताकि हम सब के अंदर शोक पैदा हो आपकी गुफ्तगू से कि हम अपने शबो रोज़ में अपने दिन में कम से कम एक वक्त मुकरर करें जिसके अंदर हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की हयात का मुताला करना है। तो मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहिब से कि आप सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से इजमालन बयान करें, और आपका खासा भी ये है, स्पेशलिटी भी ये है, आपका तखस्सुस इसी चीज़ पे। बिस्मिल्लाह रब्बी मुहम्मद करीम अलैहि सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो आपका और आपके तवस्सुत से रॉयल टीवी का, इस आपके सारे ज़िम्मेदारान अहबाब का शुक्रिया कि आपके हवाले से आपकी वजह से आज आपके सामईन के साथ मुकालमे का शर्फ हासिल हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करने का जब मौका मिले समझता हूँ कि ज़िंदगी के वो हासिल लम्हात होते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की नस्बत और ताल्लुक से गुफ्तगू की जा रही हो, सोचा जा रहा हो, एक दूसरे को तरगीब दिलाई जा रही हो। मुफ्ती बहराम साहब, 9 मार्च 1978 को बच्चों के जैसे एक तकरीरी मुकाबले हुआ करते हैं, उनमें किसी इनाम की शक्ल में हकीम सईद साहब शहीद अलैहि रहमा ने मुझे एक किताब गिफ्ट की और उस किताब का उनवान था प्यारे रसूल के 100 प्यारे वाकया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन्होंने किताब देते वक्त मुझे ये कहा कि इसके अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के 100 प्यारे वाकयात हैं, रोज़ाना एक वाक्या पढ़ना है और उसे ख़त की शक्ल में मुझे लिख के इरसाल करना है। अल्लाह वाह वाह। और साथ ये, क्योंकि मैं हम घर में उनको नाना जी कहा करते थे, हमारा उनके साथ एक मोहब्बत का, एक एहतराम का रिश्ता था और किसी दर्जे पे बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता भी था, तो उन्होंने मुझे तंबीहन कहा कि ख्याल रहे कि 100 दिनों में 100 वाक़यात ख़त की शक्ल में मुझ तक पहुँच जाने चाहिए। अल्लाह। 9 मार्च 1940 को एक बच्चे को दिलाई गई तरगीब का नतीजा ये है
کہ آج 41 سے زائد سال گزر گئے اس بات کو، ان اس سارے سفر کے دوران بہت ساری راتیں ایسی گزری ہوں گی جن میں مجھے سونا نصیب نہ ہوا ہو، بہت سارے دن ایسے گزرے ہوں گے جن میں مجھے کھانے پینے کا اس طرح کی سہولت میسر نہ ہو، لیکن اس پورے سفر میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے باوضو ہو کے حضور کی سیرت کا مطالعہ نہ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اور اللہ. یہ بات میں نے آپ کے لیے بھی اور بالعموم اور آپ کے ناظرین اور سامعین کے لیے بالخصوص اس لیے عرض کی کہ ایک آدمی کی ترغیب دلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں حضور کی ذکر کی برکت سے اور نسبت سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اور بات پہنچتی ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی اولاد پر اس طرح کی محنت کرنا شروع کرے تو یقیناً بہت سارے اور ایسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جاننے والے، سیرت نگار، سیرت سے محبت کرنے والے پیدا ہوں جو دنیا بھر میں حضور کی سیرت کے سفیر بن کے حضور کی بات جو ہے وہ پہنچائیں. انتہائی اختصار کے ساتھ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ سیرت سے مراد کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا عمل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا نام سیرت ہے. سبحان اللہ. اس کے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سیرت کے ذیل میں آتے ہیں اور سارے انتہائی اہم ہیں. اور اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ 41 سال کے سفر میں کوئی مختصر ترین حوالہ کیا ہو سکتا ہے جس سے میں اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی پوری زندگی ہی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعلیٰ اوصاف سے بھرپور نظر آتی ہے، مصفہ نظر آتی ہے، مجلہ نظر آتی ہے. لیکن وہ جو ایک حوالہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی شخصیت کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ ایک لفظ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین تعارف ہو سکتا ہے، وہ لفظ رحمت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور یہ بات میں اپنے ذوق سے تو کہہ ہی رہا ہوں لیکن اس بات کی تائید کے طور پہ آپ کو ہدیہ کروں کہ جس وقت یہودیوں کے ایک وفد نے اللہ کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان پہ اللہ نے جتنا کلام نازل کیا، ہر نبی کو جو صحیفہ یا کلام عطا کیا گیا اس میں اللہ اپنے نبی کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے، لیکن کوئی ایک نام، کوئی ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے جو اس نبی کا پورا تعارف بن جاتا ہے، اس کی شخصیت کا مکمل احاطہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو آپ کے رسول پہ جو کلام اترا اس میں کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا نام موجود ہے جو آپ کے رسول کا مکمل تعارف ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی کہ ویسے تو الحمد کی الف سے والناس کی سین تک سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، بے شک. اللہ مختلف ناموں سے اپنے رسول کو بڑے بڑے محبت بھرے انداز کے ساتھ جو ہے وہ پکارتا ہے اور حضور کی عزت افزائی فرماتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک آیت میرے کریم آقا کی پوری زندگی کا تعارف ہو سکتی ہے وہ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کیسی آیت ہے جس میں میرے رب نے کائنات کے سارے فکر رکھنے والے اور غیر متعصب ذہنوں کو دعوت دی ہے اور اپنے رسول کا تعارف کروایا ہے کہ ویسے تو ساری خوبیاں جو ہیں ان کا مصفہ میں نے اپنے رسول کو بنا دیا ہے، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر رحمت کا پہلو ایسا ہے کہ جہاں تک جن جن عالمین کے لیے وہ رب ہے ان عالمین کے لیے آپ کو رحمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین سے محبت کرنے والوں کی الحمدللہ ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ہر زمانے میں حضور پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی مثالیں قائم کی ہیں، بدر کے مارکے سے لے کے اور لمحے موجود تک بہت سی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان، آپ کی اداؤں پر اپنا سرمایہ، اپنا عزت، اپنی وقار، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. وہ کوثر نیازی نے کہا تھا نا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں حصہ سر فروشی کے فسانے میں. تو ہر زمانے میں حضور سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر اس دین کو اسی محفوظ حالت میں ان تک منتقل کرنا ہے تو انہیں علم کے نام پر، آگہی کے نام پر، یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تشکیق کے نام پر ایک بازار گرم ہے اور ڈس انفارمیشن کے نام پر ایک جو شور شرابہ ہے، اس میں محفوظ کرنے کا، ان کے ایمان کو محفوظ کرنے کا اور اپنی آخرت کو محفوظ کرنے کا، یعنی میری اگر اولاد کی آخرت محفوظ، ان کا ایمان محفوظ رہے گا تو میری آخرت محفوظ رہے گی کیونکہ وہ تک کوئی صالح ثواب کا ذریعہ بنیں گے، بے شک. سو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ نور سے منور رہے
और उसकी आगे की मंजिलें जो तारीख मंजिलें हैं वो बहुत रोशन और आसान रहें, मुश्कबार रहें। उसका इकलौता ज़रिया यही है कि वो अपनी औलाद को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो शख्स जूँ जूँ जितना जितना हुजूर की ज़िंदगी के करीब होना शुरू हो जाता है, इतना इतना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के करीब होना शुरू हो जाता है। इस तनाज़ुर में आखिरी बात आपको हदिया करूँ। जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम कूफा की मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और आप अपनी सवारी की एक एक कछार जो है उसके अंदर पांव रख चुके थे और दूसरी तरफ पायदान में पांव रखने जा रहे थे, तो एक शख्स ने सवाल किया कि दीन का जामे तरीन तारुफ क्या है। अल्लाह, आपने फरमाया अपने आप को गैर मशरूत तौर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देने का नाम। सो हम ये समझते हैं कि जो शख्स वाह वाह अपने आप को गैर मशरूत तौर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देता है, सुपुर्द कर देता है, दर हकीकत वो अल्लाह की रजा का हकदार हो जाता है, उसकी अल्लाह की तरफ खुशनुदी और इत्तबा की मंजिलें आसान हो जाया करती। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती के साथ आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत का तारुफ करवा रहे थे, और बात आई रहमत की तो मुझे यकीनन वो वक्त याद आ रहा है कि डॉक्टर साहिब ने ही एक मीटिंग का अहतमाम किया था और वहीं आपने ये फरमाया था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हशरातुल अर्द पे इतनी रहमतें की हैं कि अगर एक खतीब अपनी सारी ज़िंदगी मौजू ना बदले तो इस मौजू को वो मुकम्मल नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। वो इस एक मौजू को मुकम्मल नहीं कर सकता, हशरात पे इतनी रहमतें हैं। वो कहने वाले ने बड़ा खूब कहा ना कि ये उन्हीं की रहमत का किस्सा है कि मुझसा गुनाहगार भी उम्मत का हिस्सा है। और ये जो आखिरी बात की ना, ये बात अक्सर लोगों के लिए नहीं है। हज़रत मौला अली की जो बात की कि उनसे पूछा कि दीन क्या है, तो आपने कहा अपने आप को हुजूर के सपुर्द कर देना ये दीन है। तो यहाँ पर मुझे मेरे इमाम याद आ रहे हैं कि आने दो यहाँ डबो दो, वाह अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी और लंगर उठा दिए हैं। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। आज का जैसा कि हमारा उन्वान है ग़ज़वा बद्र, और यहाँ पे चूंकि हमारे साथ सरबराहान मौजूद हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के, तो इस तंजीम का तारुफ भी जानेंगे, लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूँ कि आज के मौजू पे गुफ्तगू की जाए, सवाल किया जाए। ग़ज़वा बद्र यौमुल फुरक़ान कहा, और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, पहला सवाल लेके चलूँगा मोहम्मद रियाज़ अंसारी साहिब के जानिब जो के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के। सवाल का उनवान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बदर जाते हुए अंसार को ख़िताब किया, और ख़िताब में क्या कहा? ख़िताब में ये कहा कि कुरैश से जो जंग है वो मुहाजिरीन की है, तुम्हारी नहीं, तुम ना आओ, हम उनसे जाके उनका सामना करते हैं। तो अंसारियों ने जो जवाबन अर्ज़ किया, और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यके बाद दीगर अर्ज़ करते हैं, वो क्या अर्ज़ करते हैं? आका, ये आप क्या कह रहे हैं कि जंग आपकी है, ये भी तो बताए ना कि हम किसके हैं, हम भी तो आपके हैं। यानी कि उन्होंने वही हज़रत मौला अली वाली बात, अपना आप हुजूर के सपुर्द कर दिया था, आका हम भी तो आपके हैं, हम कोई हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कौम थोड़ी हैं कि जिन्होंने कहा था अंता व रब्बू का फ़कातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप और आपका रब लड़े, हम बैठे देखते हैं। और साथ दूसरे कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो बात है ना, मालो ज़र नहीं है हमारे पास, साजो सामान नहीं है, तो हमने साजो सामान के भरोसे नहीं लड़ना, हमने आपके हुक्म की इत्तबा में लड़ना है। आप अगर हमें कहेंगे ना कि समंदर में उतरना है जानवर लेके, तो हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, हम तो आपके अहकामात की ताबेदारी में ऐसा करेंगे, आपके अहकामात की इत्तबा में ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे हम चाहते ये हैं नाजरीन तक पैगाम पहुँचाएँ, और मोहम्मद रियाज अंसारी साहिब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ कि नाजरीन तक पैगाम पहुँचाएँ कि जंगे बदर के अंदर मारकाए बदर में अंसार का किरदार क्या है। और ये वही अंसार हैं कि जिनकी अजमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल में बयान की है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه। सबसे पहले मैं ट्रायल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जंगे बदर के हवाले से हमें मदऊ किया, और जंगे बदर में अंसारियों का जो किरदार है वो इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। सबसे पहले
एक दुरूद पाक की फजीलत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मन ज़ार कब्री मन सल्ला अलैहि वजबत लहू शफाती, कि जिसने ईमान की हालत में मेरे रोज़ाए अतहर की ज़ियारत की और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा तो बरोज़े कयामत उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊँगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जंगे बदर एक ऐसा मार्का है जो इस्लाम और कुफर के दरमियान हुआ, जिसमें जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो नाम दिया वो फुरकान, फुरकान का मतलब है कि गालब, गलबा इस्लाम को दिया। और अल्लाह ने जब ये मार्का वजूद में आया तो अंसार ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ अंसारियों तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलल्लाह हम समुंदर में उतर जाएंगे, या रसूलल्लाह हम घाटियों में उतर जाएंगे, हमारी माल जान हर चीज आप पे कुर्बान है। तो सबसे ज्यादा जो सहाबी थे मारकाए बदर में वो अंसारी थे, मुहाजरीन कम थे, लेकिन इस जज्बे से लड़े कि 8 सहाबा अंसारी शहीद हुए और 6 कुरैश सहाबा शहीद हुए। तो आज हम इसको यौमल बदर और यौमल अंसार के नाम से इसको मंसूब करते हैं और रॉयल टीवी पे हर साल ये प्रोग्राम होता है। ज़ुबैर भाई हमारे साथ होते हैं, आज वो मूजी मर्ज का शिकार हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए। और अल्लाह ने जो अंसार को रुतबा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल ईमान हुब्बल अंसार, कि अंसारियों से मोहब्बत ईमान की निशानी है, व आयतुल नफा की बुग्ज़ल अंसार, के अंसारियों से बुगज मुनाफकीन की निशानी है। तो मेरे भाइयों, हमें वो अंसार बनना है जो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करते थे, दौलत निछावर करते थे, अपने माल जान वालदैन निछावर करते थे। हमने वो अंसारी पैदा करने हैं और अंसारी का मतलब ही है मददगार है। और हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से पूछा कि ऐ अंसारियों आपको दुनिया चाहिए क्या चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया तो अंसारियों ने कहा या रसूलल्लाह हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें दुनिया का मालो जर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। तो मेरे भाइयों, आज जो अंसारियों से मैं बल्कि एक और बढ़ के बात कहूँगा, कि जब एक मार्का आया तो दुनिया का माल दुनिया वालों को दे दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अंसारियों परेशान ना होना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हूँ। अल्लाह ताला हमें वो अंसारी जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करते थे वो बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। यकीनन असल बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब हुआ ना वो रब के करीब हुआ, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। और मारिका जो बदर का है या कोई भी मारिका हो, इस्लाम का पहला मारिका बदर है, और उस वक़्त दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ाहरी दौर है, आखिरी जो फतह है फतह मक्का, अभी कुछ दिनों बाद उसका यौम भी आएगा। और यकीनन वह लोग कामयाब हैं और वही तरक्की की जानिब गामजन होते हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। तो आज इस्लाम हमें ग़ज़वा बदर की वजह से मिला है, क्योंकि इसे अल्लाह ने यौमुल फुरकान कहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद रीश जहां मौजूद है वहां यही दुआ की थी ना बदर के मौका पर कि या अल्लाह अगर आज मुसलमान हार गए तो क़यामत तक कुछ सजदा करने वाला नहीं होगा। और देखिए अभी दुआ की है और दुआ इतनी शिद्दत से कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं वो हुजूर के कंधे मुबारक से चादर गिर रही थी हाथ उठाने की वजह से, मैं उसे कंधे पे रख रहा था, लेकिन अभी दुआ की है और उस दुआ की कबूलियत का देखें
हुजूर बदर के मैदान में तशरीफ़ लाए, अभी वहाँ दुआ की है और बदर के मैदान में आकर ना निशान लगाने शुरू कर दिए कि यहाँ फुलां काफिर मरेगा और यहाँ फुलां काफिर मरेगा और यहाँ फुलां काफिर मरेगा, यानी कि मेरे इमाम ने जो कहा कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नाज़रीन, बदर के हवाले से, यौमुल फुरक़ान के हवाले से, मारिका हक के हवाले से, हक के गलबे के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ये जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद रमज़ान अंसारी साहिब, ये अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी सदर हैं। आपकी जानिब बढ़ता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक आप ये पैगाम पहुँचाएँ, हम तक पहुँचाएँ कि जो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान है, इस तंजीम के मकासद क्या हैं और कब से ये वजूद में आई और क्या क्या ये काम सर अंजाम दे रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ रॉयल चैनल का कि उन्होंने आज इस अजीम दिन के मौके पर हमें ये मौका दिया कि हम गज़वा बदर के हवाले से और जो मौजूदा हमारा करदार हमारी जमात के उसके हवाले से अपना इजहार कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं अंसार के उस तारीखी पहलू पर जाता हूँ कि जब ये जंग रुनमा हुई, जब ये गज़वा हुआ, जब ये अजीम तारीखी फतह हुई, तो उसमें एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा। इसके दो नन्हे हीरो भी थे इस जंग के अंदर, दो नन्हे मुजाहिद भी थे, हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत माउज रज़ी अल्लाह अन्हो। तकरीबन उनकी जो उम्रें 9 बरस भी आती हैं और 11 बरस भी आती हैं तकरीबन, ऊपर नीचे है। तो जब ये जंग जारी थी तो ये दोनों नन्हे मुजाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह हमें भी मौका दिया जाए, हम भी ये जंग लड़ना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अभी आप छोटे हैं, अभी आपकी उम्र नहीं है इस जहाद की, इसके लड़ने की। तो उन्होंने बहुत इसरार किया तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने पहले बड़े जो सहाबी थे, जो बड़े थे उम्र में, उनको इजाज़त दे दी कि चलो आप बड़े हैं, आप ये इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो जब उनको इजाज़त मिली तो छोटे सहाबी जो थे उम्र में, उन्होंने बहुत इसरार किया कि या रसूलल्लाह मुझे भी इस जंग का हिस्सा बनाया जाए, मैं भी जो है इस जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आप दोनों यहाँ एक छोटी सी कुश्ती कर लो, छोटी सी एक जो है वो करें, जो अगर आप जीत गए छोटे मुजाहिद तो हम आपको जो है उस जंग में ज़रूर भेजेंगे। तो अब वो जो छोटा मुजाहिद है, छोटा सहाबी है, हज़रत माऊज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जब वो उन्होंने आप सल्लम के सामने वो छोटी सी कुश्ती शुरू की तो बड़े वाले ताकतवर थे, तो उन्होंने कहा, बड़े भाई आपकी वजह से ये मेरा मौका ज़ाया हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें शिरकत करूँ। तो जो बड़े सहाबी थे उम्र में, उन्होंने कमज़ोरी का मुजाहरा करते हुए वो वहाँ गिर गए और वो जो छोटा सहाबी था वो ऊपर आ गया। तो फिर पेश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए कि चलो ठीक है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ और जाओ अब इस जंग के अंदर। आप बच्चे ज़रूर हो लेकिन अब आपके पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है और जाओ, जाओ इस जंग का हिस्सा बन जाओ। और फिर क्या हुआ, तारीख के वर्क अगर हम उलट कर देखें तो जिस बदबख्त शख्स को कायनात का बदतरीन शख्स कहा गया है, अबू जहल, सबसे बड़ा जालिम भी वही है और सबसे बड़ा फासिक, जितने उसको बुराई कर लो सबसे वो बुरा इंसान था आलम इस्लाम का और कायनात का। और फिर तारीख तारीख देखें, फिर वो वाकया हुआ कि दो नन्हे मुजाहिद जब जंग उस मैदान में पहुंचते हैं तो पूछते हैं, अबू जहल किधर है, वो बदबخت शख्स कहाँ है जो मेरे नबी को सबसे बुरा लगता है। तो इशारे से बताया गया कि वो सामने जो है वो अबू जहल है। वो दो नन्हे मुजाहिद
एक जज्बाती तरीके से अपने ईमान की ताकत से उसके ऊपर टूट पड़े। उसी दौरान जो बड़े वाले सहाबी थे हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी बाजू के ऊपर ज़ख़म आया और इतना गहरा ज़ख़म आया कि वो बाजू थोड़ी सी कट कर लटकने लगी। तो वो नन्ना सहाबी फरमाता है, बाजू तू मेरे और इस्लाम और इस जंग के दरमियान में आ रही है, अपने पाँव के नीचे रख के झटका दिया और वो बाजू वहाँ से उतार कर एक ही बाजू के साथ उस अबू जहल के ऊपर लपक पड़ा। फिर तारीख बताती है कि उन दो नन्हे मुजाहदों ने उस बदबख्त को ज़मीन पर गिराया और नस्तो नाबूद किया। फिर अनसार का एक बुज़ुर्ग सहाबी उस मौके पर पहुंचा और अपनी तलवार से अबू जहल का सर कलम कर दिया। तारीख ये बताती है कि अनसार का रुतबा ये है कि जो इस्लाम का और कायनात का बदबख्त शख्स है उसको तबाह और बर्बाद करने वाले भी ये अनसार के नन्हे सहाबा हैं। ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों में अपना खून डाला है। ये वो सहाबी हैं, ये वो कबीला अनसार है कि जब अल्लाह का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हजरत करके मदीने आते हैं तो इन्हीं अनसार ने अपनी कुर्बानियों की इंतहा कर दी, अपने बागात, अपने मालो सबाब, अपनी जानें, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने इसके लिए पेश किया, जिसकी वजह से आज जो इस्लाम है पूरी दुनिया में जो है फैला है। इसलिए जब ये वाकयात हुए, जब ये कुर्बानियाँ दी गई, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे कबाइल को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैंने अल्लाह के हुक्म से आज आपका नाम अनसार रख दिया है और बेशक ये बेहतरीन जो है नाम ये मैंने तख्लीक किया है। इस कौम को तख्लीक करने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये इनके जो मकाम है। तो ये तो एक तारीख जो है भरी पड़ी है अनसार के जो करदार से, जो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ, अपने असल बात पे आता हूँ कि हमने आज से 12 साल कबल अंसारी मुतहदा मूवमेंट के नाम से एक जमात की बुनियाद रखी, जिसका मकसद भी यही था कि जो करदार हमारे बाजदाद ने तारीख में अदा किया है, आज भी अग्यार जो हैं वो इस्लाम को मिटाने के दर पर हैं, इस्लाम को खोखला करने के दर पर हैं, हमारी कौम को गुमराह करने के दर पर हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अहले अंसार अपने बाजदाद के उस करदार को दोहराएँ और जिस तरह उस वक्त इस्लाम की मदद की थी, आज भी हम अपने इस्लाम की मदद करते हुए अपना सीना तान के इस्लाम के लिए खड़े हो जाएंगे और मुआशरे में जितना हो सका हम अपने फलाही और जो है माशी है वो करदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मियाँ आबिद हुसैन अंसारी साहब भी मौजूद हैं जो मरकजी चेयरमैन हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे अभी कुछ देर बाद। अभी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और नाजरीन बात अंसार की करें या मुहाजरीन की करें, असल बात जहां भी जिसकी भी करेंगे दर हकीकत बात मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अंसार की बहुत शान है, अंसार ने दीन के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, रब ने उनकी खिदमात को सराहा है, लेकिन अस्साबिकून अल अव्वलून का मकाम आला है, उनकी शान निराली है। यहाँ पे कलाम ऐड करेंगे तो हमारे साथ सनाखा मौजूद हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद भी कहते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद इमरान कादरी साहिब से कि अपने मखसूस अंदाज में लजपाल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलह अकीदत पेश करें और इसके बाद बड़ा खूबसूरत और दिलचस्प सवाल होगा। मारका बदर पे बकौल इकबाल अलावा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो कहा ना कि मारिकाए वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। वाह, ये बदर को जो इश्क कहा गया है तो डॉक्टर साहब की जानिब हम बढ़ेंगे ये सवाल लेके कि इसे इश्क क्यों कहा। तो उससे पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाप्त करते हैं। मदीने की वाली मदीने बुला लो, मदीने की वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, मदीने की वाली तेरे दर पे आओ, मैं बन के सवाली रहे
सामने तेरे रोजे की जाली रहे सामने तेरे रोजे की जाली गरीबों के मौला यतीमों के वाली बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते मदीने बुला लो इधर भी निगाहे करम हो खुदारा मुकद्दर का चुके कभी तो सितारा मुकद्दर का चुके कभी तो सितारा दरे मुस्तफा पे मेरी हाजिरी हो दरे मुस्तफा पे मेरी हाजिरी हो नदामत के आंसू बहाते बहाते मदीने के वाली मदीने बुला लो मुकद्दर में मेरे वो नूरी खड़ी हो फ़ज़ाए अर्ज़ हो दयारे नबी हो मेरी उम्र गुजरी तेरी बारिगाह में दुआओं का दामन बिछाते बिछाते मदीने के वाली मदीने बुला लो। माशाल्लाह यकीनन इंशाल्लाह मदीने बुलाएंगे और इसी तमन्ना पे जी रहा हूँ यही तमन्ना जिला रही है न जब तक निगाहे करम होगी तो मुझको जीना हराम होगा। नाज़रीन सवाल छोड़ा था डॉक्टर साहब के लिए और आप ही की जानिब बढ़ता हूँ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़्यादा साहिब के मारिका वजूद में बदर व हुनैन भी है इश्क। मारिका वजूद क्या है और बदर को इश्क। अब देखा जाए घुमसान की जंग है मरना है कटना है कुछ नहीं पास जुदाइयां हैं लेकिन इसे इश्क कहा जा रहा है इसे क्यों इश्क कहा गया और इससे क्या पैगाम मिलता है। करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ये जो दीन की आज नेमत आप तक मुझ तक और सारे आलम तक पहुंची है उमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 बरस की नेमत का मेहनत का नतीजा है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बग़ौर मुताला करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तो आप पे ये एक हकीकत बहुत वजाहत के साथ खुलती हुई नज़र आती है कि ये दीन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 बरस की नेमत मेहनत का नतीजा सुभान अल्लाह 63 बरस सुभान अल्लाह क्योंकि वो जो पहले ऐलान नबुवत से पहले के 40 बरस हैं उनका भी हर आन हर लम्हा गोया इस दीन की बुनियादें फराहम करने के हवाले से हुजूर की मेहनत के साथ मंसूब है बेशक। और फिर हम ये देखते हैं कि जब इस खूबसूरत राज में इस खूबसूरत इज्जत में ऐलान नबुवत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को शरीक कर लेते हैं जिन्हें दुनिया असहाबे रसूल कह के पुकारती है और फिर एक ना ख़त्म होने वाली 13 बरस की वो ज़िंदगी जिसे हम मक्की ज़िंदगी कहा करते हैं इंसानी तारीख में मुमकिन तौर पर गमों अंदोह के गमों आलाम के जुल्मों सितम के
शायद ही कोई तरीके ऐसे रह गए हों जो उन 13 बरस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पाकीज़ा असहाब को देखने ना पड़े हों। ख़ुद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस दीन की तरवीज और अशात में, इसकी तबलीग में, इसकी रसाई में जितनी तकलीफ़ों से मुझे गुजारा, किसी अल्लाह के किसी भेजे हुए नबी को भी उस तकलीफ़ से नहीं गुजारा गया। सो ये तकलीफ़ों का सिलसिला वैसे तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले लम्हे से हर आन हर नया सूरज जो है वो एक अजीब तरह का इम्तिहान लेकर हुज़ूर की ज़िंदगी में दाखिल होता नज़र आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मक्के का दौर ऐलान नबूवत के बाद का जो 13 बरस का दौर है उसमें इस दर्जे की तकलीफ़ से रसूलुल्लाह सल्लम को गुजारना पड़ रहा है, अपने असहाब के साथ वो वक्त गुजारना पड़ रहा है कि कहीं एक लम्हे में हमें किसी वक्त शायद अभी तालिब हमें नज़र आती है, कहीं पे हमें आमुल हुज़्न की कैफियत से हुज़ूर को गुजरते हुए हम देखते हैं, और फिर वो एक रात आ जाती है जिस रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपना प्यारा मक्का शहर छोड़ना पड़ जाता है, जिसके साथ हुज़ूर की बहुत एलानिया उनसियत और मोहब्बत है। और इब्ने हिशाम के वो अल्फाज तारीख़ के माथे पे एक महताब की तरह चमकते रहेंगे और हर अहले दर्द के लिए उसके अंदर एक गम अंदोह की एक मिसालिया और एक पैगाम रखते हैं। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत के मुतल्लिक जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर मक्के से बाहर निकल रहे थे तो थोड़े थोड़े फासले के बाद पीछे मुड़ के मक्के की तरफ देखते थे और कहते थे कि ए मक्का, तू गवार है कि मैं तुझसे कितनी वालिहाना मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन यहाँ के रहने वालों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मुझे यहाँ से सफ़र इख्तियार करना पड़ता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ़ लाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो मक्के से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे राज पोशीदा थे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मक्के से हुज़ूर की हिजरत का जो मामला है उन असरार से वाकिफ ना हो तो आपके लिए बदर को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ से जिस शहर को अमन वाला शहर करार दिया गया है ना, वहाँ पे कुछ तो खून से इज्तनाब करना भी एक इसमें मकसूद शामिल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र करने में। और बहुत सारे अल्लाह की तरफ से जो इसके अंदर राज थे उनके साथ जब हुज़ूर मदीना तशरीफ़ लाए, और जैसे हमारे बाकी दोस्तों ने बड़े वालेहाना अंदाज में अनसार मदीना की मोहब्बत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हुज़ूर के असहाब के साथ जिस दर्जे की उन्होंने मोहब्बत की, असाब से मुराद महाजरीन के साथ जिस तरह की उन्होंने मोहब्बत की, वो भी तारीख़ में शायद उसकी दूसरी कोई मिसाल मिलती नहीं है। वो मवाखात का मरला हो और फिर उसको इस दर्जे पे निभाया, यानी तारीख़ हमें ये बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने तो एक लम्हे में ये मोहब्बत पैदा कर दी ना, 60 लोग इधर से ले लिए, 60 उधर से ले लिए, एक रिवायत के मुताबिक 80 इधर से ले लिए या 90 लिए और दूसरी तरफ से भी। लेकिन कितनी अजीब बात है कि उन असहाब ने जिन्हें इस रिश्ते में कायम किया गया उन्होंने ऐसी लजपाली का मुजाहरा किया और अपने करीम आका के अता किए हुए इस रिश्ते को इस आला अरफा अंदाज से निभाया कि अपनी नस्लों को भी वसीयत करके गया। बात वो कहते हैं ना कि अंसारी साहबी थे तो सफर के दौरान मौत का वक्त करीब आ गया, आसार पैदा हो गए कि अब यहाँ से कूच करना है, तो उन्होंने अपने साथ जो अहबाब थे उन्हें कहा कि किसी तरीके से मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बेटे जो हैं, मेरी औलाद जो, उसे मेरे पास बुलाओ, मुझे उन तक ले जाओ या उन्हें मेरे तक ले आओ। तो सवारी दौड़ती हुई गई और वहाँ से उनको साथ ले आई। सारे बच्चे जब इकट्ठे हो गए ना तो अब वो ये सोच रहे थे, वो बहुत मुतमवल साहब भी थे, साहिब वसाइल साहब भी थे, लेकिन सब सोच रहे थे कि शायद वो अपनी जायदाद की तकसीम के हवाले से कोई इनको वसीयत करेंगे, शायद इनको किसी और मामले में वसीयत करें, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के। मेरे करीम आका ने उनके अंदर ऐसी मोहब्बत और अख़ुवत का नूर पैदा कर दिया था कि उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को बुलाया और कहा कि मेरे पास वक्त कम है, मैं तुम्हें और किसी मौजू पे जो है वो तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरा वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बुला रहा था और मैं बेचैन था कि मैं ये नसीहत किए बगैर यहाँ से दुनिया से ना चला जाऊँ। और वो नसीहत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके साथ हमें एक भाईचारे के रिश्ते में बांधा था, तुमने उन रिश्तों की हया करनी है, उसकी कदर करनी है, उसकी लजपाली करनी है। और फिर तारीख बताती है कि वो मोहब्बतों का सिलसिला जो है वो अनसार और महाजरीन का तादेर उनकी नस्लों में भी कायम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब पैदा किए अपने रसूल की दिलजोई के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना सलाहियतों और हिकमत पर मबनी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को एक 13 बरस की तकलीफ़ के बाद नस्बता
एक जिसे कहते हैं पुरअमन माहौल मैसर आया और दीन की तबलीग, दीन को जो इसकी खूबसूरतियाँ लोगों तक पहुँचाने का एक जिसे कहते हैं ना पुरअमन माहौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आपके असहाब को भी मैसर आना शुरू हो गया। अब इस लम्हे की जब खबर अहले मक्का को पहुँचती है बार बार, तो वो क्या कहते हैं, उनके अंदर एक अजीब तरह का गुस्सा और गम आता है। क्यों? अरब जो है ना वो अपने जब किसी को अपना दुश्मन बना लेते तो उसके बारे में उनके यहाँ किसी दर्जे की कोई रियायत नहीं पाई जाती थी। और हमने ये देखा कि उनका ये गैज़ो गज़ब जो है उन्हें वहाँ मक्के में भी चैन से नहीं बैठने देता। और एक शाम मैं बहुत इख्तसार के साथ आपके सामीन और नाजरीन तक ये हदिया करना चाहता हूँ कि एक वो लम्हा आ जाता है जब बदर के मकाम पर वो और ये सब आमने सामने हो जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि इस मार्के के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मार्के में शरीक होने वालों की ऐसी इज्जत अफजाई फरमाई अल्लाह के रहती जिंदगी तक जब तक खिलाफत का निज़ाम भी कायम रहा। हम देखते हैं कि आखिरी बदरी साहबी तक की भी हिफाजत की गई और उनकी कदरों मंजिलत उनकी फौकियत हर जमाने में मुसल्लम रही। हर जमाने के साहिबान अदल ने उनका इकराम किया, उनके लिए अपनी उनके रस्ते में अपनी पलकें ताजीमन बिछाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में भी हम ये देखते हैं, बदर का मार्का तो एक फेज़ है ना, उसके बाद एक तवील ज़िंदगी 10-12 बरस हुज़ूर उसके बाद जो है वो असहाब के अंदर मौजूद रहे। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बदरी साहबा के इकराम में बहुत ऐलानी और बड़े वाज़े हैं। बाकी असहाब की निस्बत जो बदरी साहबी हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खास दर्जे का इकराम, ग़ालिबन हज़रत हातिब बिन अबी बलता उनकी माफ़ी भी इसीलिए हुई ना कि वो बदरी साहबी थे। बेशक ऐसे ही ये भी एक मोहर तस्दीक थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों के बाद एक दफ़ा दोबारा अपने अमल से अपने कौल अपने फेल से ये एक बशारत दी कि बदरी साहबी जो है उनका ये मकाम और मनसब है। हम ये देखते हैं कि इस पूरे मार्के के अंदर ऐसे ऐसे खूबसूरत ईमान अफरोज कैफियात जो हैं उनका सामना आता है कि आगे चल के जब हम गुफ्तगू के अगले हिस्से में आएंगे तो इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और अभी यानी कि तमहीदी गुफ्तगू सिर्फ अभी यहाँ तक आई है कि बदर इश्क है, बदर हुनैन इश्क है, तो अभी इश्क वाली बात करनी है। तो डॉक्टर साहब से दोबारा हम कलाम होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ आबिद हुसैन अंसारी साहब, आपकी जानिब बढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मरकजी चेयरमैन हैं अंसारी मुतहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के, हमारे नाजरीन तक अपनी इस तंजीम का जो मंशूर है वो पहुँचाएँ। और आपकी तंजीम इस वक्त कौन कौन से फलाही काम कर रही है और आपकी तंजीम को मजीद आगे क्या क्या करना है, गोल्स क्या हैं, मकासिद क्या हैं, ये सारे हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला मदूद, हम्द व सना खालिक़े कायनात के लिए और बेहद दुरूद व सलाम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सबसे पहले मैं जनाब रॉयल टीवी का बेहद मशहूर हूँ कि आज उन्होंने हमें मदु किया और खसूसन बदर के हवाले से और शान अनसार के हवाले से हमें मौका दिया। तो मैं थोड़ा सा, चूँकि आज का प्रोग्राम शान अनसार के हवाले से है, तो मैं मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि अंसारी की मोहब्बत के हवाले से कि जंगे हुनैन के मौके पर जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था तो किसी ने बताया अंसार को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम माल गनीमत जो है वो मुहाजरीन में तकसीम कर रहे हैं। तो एक रंज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब इसका इलम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलाओ मेरे अनसार को। तो उनको कहा कि क्या आपको ये दुनिया का मालो दौलत चाहिए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप के लिए? तो ये एक बहुत मोहब्बत की और एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, आप मक्की ज़िंदगी के डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी मुशरकीन मक्का ने, हिजरत के बाद भी आका दो जहाँ सल्लम को वहाँ भी उन्होंने बहुत तंग करने की कोशिश की, यहाँ तक कि वहाँ पर हिजरत से पहले अब्दुल्ला बिन अबी को उन्होंने सरदार मुंतखब कर चुके थे। तो जब आकायद जहाँ मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने उनको बड़ी परेशानी लाख हो गई कि ये तो अब मेरी तो सरदारी गई। इवन कि उनको कुरैश मक्का ने भी ख़त लिख दिया कि भाई आप इनको, आप लोगों ने पनाह दी हुई है, आप इनको यहाँ से निकालें। तो जब इस बात का आकायद जहाँ सल्लम को पता चला तो आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और उनको
उनके साथ बात की कि ये तो बहुत थोड़ा आप कह रहे हो कि आपके साथ जो बाद में होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उनको समझ आई और वो आगे पीछे हो गए और उन इस हवाले से। तो बेसिकली बदर का जो मार्का है वो उसी की एक कड़ी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यौमुल फरकान के हक़ो बातल का यौमुल इश्क भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि फतह का दिन है, इस्लाम की फतह का दिन है, क्योंकि ये पहला ऐसा मार्का हुआ कि जो जिस पे जिस तरह आप फरमा रहे थे कि आप सल्लम ने दुआ फरमाई और मेरे आका तो जहाँ इधर दुआ फरमा रहे हैं उधर अल्लाह पाक ने ऐसे कबूल की कि आप खुद जाके निशानियां लगा रहे हैं कि यहाँ पे वो गिरेगा, यहाँ पे ये फलां गिरेगा। तो और ऐसा ही हुआ और फरिश्तों की एक बड़ी तादाद 5,000 के लगभग मेरे ख्याल में है कि भी वो उतरे और 313 कहाँ और 1,000 से ज़्यादा कलश्कर। और बताया जाता है कि जी जो कि भाई दो घोड़े चंद सवारी और 6 जरें और कुछ चंद तलवारें और 70 ऊंट और उधर 170 ऊंट और 100 घोड़े और बहुत ज़्यादा जंगी जो उनके सामान जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक ने एक अपने प्यारे नबी सल्लम की वो दुआ सुनी और ऐसी गैबी इमदाद हुई कि वो मार्का फतह हुआ और हक़ो बातल का एक वाज़ेह फैसला हो गया। तो बाकी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट 12 साल हो गए हम इस कोशिश में लगे हुए थे। पहले तो हम पंजाब से स्टार्ट लिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध में बहुत ज़्यादा हमारा वर्क हो गया, बलूचिस्तान में KPK में भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्क हो चुका है, तो कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो इस वक्त अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान की जो सबसे अंसारी क्योंकि एक नुमाइंदा तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी बन के सामने आई है। तो उस हवाले से जिस तरह अंसारी का मतलब ही मददगार का है, तो पिछले बहुत अरसे से फलाई काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खसूसन मैं अभी ज़िक्र करूँगा कि ये जो मूजी मरज़ कोविड के हवाले से जब स्टार्ट हुई तो 25,000 ख़ानदानों को हमने माशाल्लाह, जिसमें ये नहीं रखा गया कि हमने अंसारियों को ही देना है, उसमें हर तरह हर तबका के लोगों तक पहुँचाया। और अभी रिसेंटली हमारे अल्लाह पाक से कामला आजला अता फरमाया हमारे जुबैर भाई को, तो अभी उन्होंने 18,000 खानदानों में जो है राशन तकसीम किया। तो अब आगे लिस्टें हम तैयार कर रहे हैं कि रमज़ान शरीफ ईद के हवाले से कहां कहां तक हमने पहुंचाना है, और उससे पहले हम मास्क काफ़ी सारे और उसका अलावा मेडिसन जो है वो काफ़ी हद तक हम मुख्तलिफ इलाकों में दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है मदद का जारी रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने उसकी वो सुन्नत हम लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक। नाज़रीन आपने जाना अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान का जो मेन काज है वो ये है कि अंसारियों की सुन्नत को ज़िंदा किया जाए। और जिस तरह भी बात कर रहे थे राशन तकसीम करने की, तो मेरे जहन में एक सही रिवायत गर्दिश कर रही है, मुस्तदरक में मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने भाई को एक वक्त का खाना खिलाया पेट भर के, और याद रखें जब राशन दिया जाता है तो वो पूरे अफराद का होता है और कम अज़ कम महीने का या 15 दिन का वो राशन होता है। और ये जो मैं हदीस सुना रहा हूँ ये एक वक्त खाने की है और एक बंदे को खिलाने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त का खाना अगर किसी ने अपने भाई को पेट भर के खिलाया तो अल्लाह उसे जहन्नम से 7 खंदकें दूर कर देता है। सहाबर्स गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खंदक क्या है? तो आपने कहा एक डिस्टेंस है, एक फासला है, एक खंदक से दूसरी खंदक का जो सफ़र है वो 500 साल की मुसाफत है। क्या मतलब हुआ कि अगर एक बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक बंदे को एक वक्त पेट भर के खाना खिलाता है तो अल्लाह उसे जहन्नम से 3500 साल दूर कर देता है। और जो पूरे घर वालों को राशन दे, महीने का राशन दे, फिर हज़ारों ख़ानदान हैं,
तो शायद कैलकुलेटर जो है वो बस कर दे, खामोश हो जाए और वो इसको गिन ना सके। और रमज़ान के अंदर तो वैसे ही नफल फ़र्ज़ के जितना फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया, और दिन भी जुमे का, और बरकतें रहमतों वाले दिन हैं, रहमत का शरा है, मगफरत का शरा है, जहन्नम से आज़ादी का शरा है, तो नाज़रीन इतना सवाब मिलता है कि हम उसे इहाता शुमार में नहीं ला सकते। तो ग़ज़वा बदर के हवाले से और बिलखसूस अनसार के हवाले से गुफ्तगू जो है हमारी जारी है। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ना है, सवाल वही है कि मारिका वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क, लेकिन यहाँ पे हम एक सना खान ने ज्वाइन किया है, वो भी अंसारी हैं, इमरान हुसैन अंसारी साहिब, तो इमरान हुसैनी अंसारी साहिब। तो डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अपने मखसूस अंदाज में लजपाल आका अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। या नबी मुस्तफा, ए हबीबे खुदा, दो जहां में कोई तुझसा प्यारा नहीं, हामी बेकसाम वाली ये दो जहां, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। सेहरा शम्स तुहा चेहरा बदर तो जा, सीना सदर लोला तू है मेरे नूरुल हुदा, कह रहा है खुदा तेरे जैसा किसी को संवारा नहीं। नैन है सुरमगी जुल्फ है अंबरी, तेरे दर पे है दरबान सिदरा नशी, मेरे नूरे मुबीन जाऊं सदके तेरे, आपके रुख सा कोई नजारा नहीं। और आ रहे हैं मला समेटे हैं पर, पढ़ रहे हैं दरूद उन पे शाम सहर, घूम लो चाहे सारा जमाना मगर, आपके दर सा कोई दवारा नहीं। सामने ग्रामी कदर, ये मेरा लिखा हुआ कलाम है, मेरी बरादरी के मुतबर और सरबराहान जीनते प्रोग्राम है, तो मक्ता मैं आपकी समातों की नजर करता हूँ कि कैसे इमरान लिखे जो तेरी शान है, तेरी मिदहत में सारा ही कुरान है, तेरी मिदहत में सारा ही कुरान है, जो तेरी जात का आईना ना बने, ऐसा कुरान में कोई सिपारा नहीं। या नबी मुस्तफा ए हबीबे खुदा, दो जहां में कोई तुझसा प्यारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात बिल्कुल इसी तरह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन ना आया है ना कोई आएगा, इसीलिए तो कहने वाले ने बड़ा खूब कहा
और ये जब कहा तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ये कहने वाले को मिंबर पे बिठाया और कहा अब कहो कि वाहसन उमिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल उमिन कलम तलिदिन निसा खुलिक्ता मुबर्रअ मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशा। कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को बहुत खूबसूरत सूरत अता की है और आप जैसा ना अव्वलीन में कोई गुजरा है ना आखिरीन में गुजरा है। तो नाज़रीन बात चल रही है बदर के हवाले से, ग़ज़वे बदर के हवाले से, और बात इस नुक्ते पे आके रुकी थी कि बदर को मारिका इश्क कहा गया है। तो इसके अंदर इश्क के क्या पहलू हैं और किस चीज़ के बिना पे इसे मारिका इश्क कहा गया है, तो डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहिब आपकी जानी बढ़ता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मारिका बदर को पढ़ा तो वो ये इसे मारिका इश्क कहने पर क्यों मजबूर हुए। बिस्मे रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। इकबाल की क्योंकि आम मुसलमान से एक दर्जा आगे जाके बहुत अमीक निगाह है, बेशक दीन की तारीख के ऊपर भी और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ वाबस्ता लोगों के हवाले से भी इकबाल एक ख़ास नज़रिया फ़िक्र रखते हैं, बेशक। और इकबाल ने तो बहुत वजाहत और सराहत के साथ ये ऐलान किया कि मैं इस दीन का हासिल ये समझता हूँ कि कोई शख्स अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दर्जा महकाए कि अल्लाह की तरफ से उसके लिए रज़ा और बशारतें जो उनका नुज़ूल होना शुरू हो जाए। और आप ये देखें कि इकबाल ने जितने भी अहबाब का इकराम किया है अपने कलाम में, उन सब के यहाँ किसी न किसी दर्जे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मोहब्बत और वाबस्तगी पाई जाती है। हत्ता कि इकबाल ने बड़ी एहतियात और ज़िम्मेदारी से मैं ये बात आपके सामईन के हवाले कर रहा हूँ कि जिन अहबाब का इकबाल ने जिन नॉन मुस्लिम्स का भी तस्करा किया है और उनकी तारीफ़ की है ना, तो उनके फ़िक्र में भी कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और आपका इकराम शामिल है। सो इकबाल इस मामले में बहुत हसास और ज़िम्मेदार है। और जहाँ तक मारका बद्र की बात है, जैसे इस पर पहले अवरन गुफ्तगू हो चुकी है, मुझे वो उसका मंजर याद आता है। मैं चाहूँगा कि जस्ता जस्ता दो चार मनाजिर ऐसे हैं उनमें आपके सामीन और नाजरीन को शरीक कर सकें ताकि हम अपनी ईमानी आँखों से उस कैफियत का हिस्सा बने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मारका इश्क के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता लोगों ने अपना आप पूरी दयानत के साथ सुपुर्द किया ना अल्लाह के रसूल सुपुर्द किया, तो अल्लाह ने फिर अपनी कमाल शान के लायक अपनी अनवार तजल्लियात और नुसरत का नुजूल फरमाया और इस दर्जे का नुजूल फरमाया कि रहती दुनिया तक के सारे हक परस्तों के लिए उसके अंदर एक उम्मीद और एक पैगाम मौजूद है कि जब कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना खालिस हो जाता है ना, तो अल्लाह की नुसरत इतनी जाहिर होना शुरू हो जाती है, इतनी वाज़े पहुंचना शुरू हो जाती है। फिज़ाए बद्र की बात हो रही है तो मुझे वो मंजर याद आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत उकाशा, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उनके बारे में एक दूसरे सहाबी ने किसी सहाबी से पूछा गया कि आप भी बद्र में मौजूद थे, उकाशा को किस आलम में आपने देखा, तो उन्होंने कहा कि बाकी असहाब किसी किसी वक्त सवारी पे सवार हो जाया करते थे, उकाशा का ये आलम था जितनी देर तक बद्र का मारका रहा उकाशा ने अपनी एड़ी जमीन पे नहीं लगाई, पंजों के बल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे मामूर रहे। और वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश थी, हजरत उकाशा की हवाले से ज़िमनन ये बात याद आ गई, आप ये जिंदगी के आखिरी अय्याम में आपने ये बात कही, आप अपनी हसरत का इजहार करते थे कि काश मेरा परवरदिगार बद्र के दिन मुझे एक परिंदा बनाता और जिस तरफ से मेरे करीम आका की तरफ कोई तीर आता, कोई तकलीफ आती, उकाशा उड़कर उसकी तरफ पहुंचता और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचने से पहले रोक लेता। हजरत उकाशा जंग लड़ रहे हैं और इब्तदाई मरहले में ही ना आपकी तलवार टूट जाती है जी, अल्लाह अकबर, तलवार टूटती है तो कमाल जज्बे के साथ घर से आने वाला नौजवान अजीब तरह की मायूसी का शिकार हो जाता है और कहता है अल्लाह के रसूल अब तो मेरे पास सिर्फ मेरा जिस्म मौजूद है, गो के तलवार नहीं रही है, अगर आप इजाजत दें तो अब मैं सिर्फ अपने जिस्म के साथ आपका दिफा करूं, जिस तरफ से तीर आए जिस तरफ से कोई तकलीफ आए मैं अपने आप को पेश करता जाऊं। अल्लाह के रसूल उनका जज्बा देखते हैं और उस नौजवान को एक लकड़ी का जो है वो पकड़ाते हैं, लकड़ी एक पकड़ाते हैं और कहते हैं कि इसी को तलवार के साथ तलवार की जगह पर इस्तेमाल करना शुरू करो। अब आप देखें कि एक तरफ 313 लोग हैं और किसी दर्जे पे अगर मैं उन्हें निहत्ता कहूँ तो शायद गलत ना हो असबाब के हवाले से, इतने महदूद असबाब के साथ मैदान जंग में, और दूसरी तरफ
वो सरदारान कुरैश की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनकी जंगी मारकों के कारनामे जुबान जद आम हैं जी, अरब व अजम में फैले हुए हैं। हत्ता कि उस ज़माने में मैं हैरान हुआ, एक सीरत निगार ने लिखा कि इस वाक़ बदर के अंदर कुछ ऐसे मक्की असहाब भी मौजूद थे, मक्की शुरफा और मक्के के बड़े नामवर कबीलों के सरदार मौजूद थे, जिनकी शुजात और बहादुरी के किस्से उस ज़माने में फारस के अंदर कलाम का हिस्सा हुआ करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने शुजा और बहादुर लोग होंगे। अब उनसे मुकाबला, और हाथ में तलवार भी नहीं है, एक लकड़ी है, कहते हैं लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं तो अपनी जान निछावर करने आया हूँ, फतह और शिकस्त तो मेरा मकसूद है ही नहीं है, गलबा पाना तो मेरी कहीं ख्वाहिश का हिस्सा है ही नहीं है, मेरा तो बस एक ही काम है, एक ही मिशन है कि मैं अपनी ये जो जान और बिसात ऐसे अपने करीम आका पे निछावर कर सकूँ, कुर्बान कर सकूँ। कहते हैं मैंने उस लकड़ी को झटका दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लकड़ी के अंदर तलवार जैसी तासीर पैदा कर दी। और फिर तारीख हमें ये बताती है कि 36 लोगों को वासिल बजानम किया उस तलवार ने। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोइज़ा जो उस वक्त असहाब ने महसूस किया। हजरत उकाशा जो है उनकी मोहब्बत का ये आलम रहा कि वो जो तलवार उनको मिली उसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऑन रख दिया। ऑन कहते हैं मदद करने वाले को। और वो तलवार आखिरी लम्हे तक उनके पास रही। और आजकल क्योंकि ख़त्मे नबुवत के तारुफ से मैं आपके दोस्तों और सामईन तक ये बात हदिया करूँ कि जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जंग का मामला पेश आया, गुस्ताख़े रसूल के बिलमुकाबिल आना पड़ा, तो हज़रत उकाशा जो उस वक्त नस्बता बीमार थे, लेकिन आपको जब ये ख़बर हुई तो आप अपने घर से निकले और लोगों ने कहा कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप उसमें कैसे शरीक होंगे? तो उन्होंने कहा मेरी सेहत जो है वो नहीफ ज़रूर है, लेकिन अल्लाह के रसूल की अता की हुई तलवार की धार जो है वो अभी जंग आलू हुई। और आप फिर उस मैदान में गए और फिर आपने जामे शहादत नोश किया। तो ये सारी मोहब्बतें वो हैं जो बदर के साथ वाबस्त हैं, और बदर से ये सारी खूबसूरतियाँ, ये ईमान अफरोज तहरीकें, इनमें से हर शख्सियत का हर अमल अगर आप उसे देखें तो वो एक अपनी मिसाल आप है, उससे एक ऐसी मोहब्बत हम तक पहुंचती है कि जो कल वो जान के जितने पैमाने हैं उन सबको मुअत्तर करते हुए आगे बढ़ती है। मैं आगे गुफ्तगू के अगले पैराए में इससे अगला हिस्सा जो है वो आपके साथ जी इंशाल्लाह गुफ्तगू आपसे जारी। नाज़रीन, आपने सुना कि हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह बदर के अंदर अपने इश्क का सबूत दिया, और आप ये सिर्फ एक वाकया, अभी तो 313 शख्सियात हैं और 313 लोगों के न जाने कितने वाकयात हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि ये मारिका इश्क है। और अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसी लिए इसको मारिका इश्क कहा। अभी वो बात आ रही थी जहन में जब डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हज़रत उकाशा की हसरत को बयान किया कि मैं काश एक चिड़िया होता, तो मेरे जहन में ना गज़वे का जिक्र आया, एक खतून अपने नो मौलूद बच्चे को लेके ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिहाद पे जा रहे हैं, मेरे इस नो मौलूद दूध पीते बच्चे को साथ ले जाएं। अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया ये बच्चा करेगा क्या? अल्लाह, और औरत का जज्बा सुनिएगा, और औरत के हौसले को दाद देता हूँ। औरत अर्ज़ करने लगी आका ये कुछ करेगा नहीं, जब आपकी जानिब तीर आएगा तो ढाल तो बन है ना, ढाल तो बन सकता है ना। और वो वक्त याद करें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत पे खाने में जहर दिया, आप पे तो उसका असर ना हुआ लेकिन साथ जो सहाबी बैठे थे उन पे जहर के जब असरात नमूदार हुए, तो अर्ज करने लगे आका जब मैंने लुकमा मुंह में रखा था मुझे उसी लम्हे पता लग गया था इसमें जहर है, तो आपने इरशाद फरमाया तो उगल देते, थूक देते। अर्ज करने लगे आका इतना बेअदब नहीं हुआ कि आपके सामने थूक देता, आपके सामने उगल देता, मुझे मरना तो गवारा है लेकिन आपकी बेअदबी गवारा नहीं। तो बदर के अंदर भी हमें सहाबाए किराम का वो जो अदब नजर आ रहा है ना, जिसे अल्लाह ने ऐन ईमान कहा, और अल्लाह ने कहा ए इस तरह का ईमान लाओ जिस तरह के ये लोग लाए। वैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास क़ालू अनुमिनू कमा आमन सुफहा, अल्लाह ने सहाबा के ईमान को ऐन ईमान कहा है। अब देखे ना वो जिस तरह अभी रईसुल मुनाफिकीन की बात हुई अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इब्ने सलूल की, के नमाजें वो पढ़ रहे हैं, सारे मामलात वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया, जलाने का हुक्म दिया, और कहा इनकी मस्जिद में नहीं जाना। क्यों? नमाज तो वो पढ़ रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं जो सहाबा इकराम में थी। और वो क्या है कि सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू करते हैं तो पानी के कतरात नीचे नहीं गिरने देते, और हुजूर जब लुआब गिराते हैं हत्ता के बलगम के अल्फाज हैं तो सहाबा उसे नीचे नहीं गिरने देते। यानी कि सहाबा की जो वारफ्तगी है, और जिस
طرح پروانہ شمع کے آگے اپنی جان دے دیتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے وارفتگی کی عمدہ مثالیں قائم کی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ اللہ نے صحابہ کو یہ مقام اسی وجہ سے عطا کیا کہ یہ حضور کے نام پہ مر مٹیں، اور سارے صحابہ حضرت عکاشہ ایک کی بات نہ کریں، سب کی بات کریں، تو سب کا یہی نظریہ تھا، یہی حسرت تھی کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ناظرین، اب متوجہ ہوتا ہوں محمد ریاض انصاری صاحب کی جانب، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ یہ جو جس نقطے پہ بات ہو رہی ہے کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، آپ اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ مارکہ بدر کو مارکہ عشق کہا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علامہ اقبال کا آپ نے ذکر کیا، تو علامہ اقبال نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد کو سے اجالا سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ کا عشق تھا جو اقبال نے اس کی تصویر کھینچی، اللہ، اور ہمیں بتایا ہے کہ ایسا عشق جو بدر و حنین والا عشق ہے، وہ قوت عشق سے، صحابہ نے قوت عشق سے یہ جنگ لڑی تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ تو صحابہ اکرام نے یہی عشق کی مثالیں ہمیں عطا فرمائی، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہمیں یہ عشق بتایا کہ یہ ہے عشق، اپنی جانوں کا نذرانہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی عشق ہے۔ اور صحابہ نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے آپ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تھوک مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، وضو کا پانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی عشق کی مثالیں ہم تک پہنچی اور ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہے صحابہ کا عشق، ہمیں اس پہ پیرا عمل ہو کر لوگوں کو تا قیامت یہ سبق دینا ہے کہ یہ عشق جو ہے اس کو ہم نے تا قیامت زندہ رکھنا ہے، تابندہ رکھنا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ صحابہ اکرام کے عشق پہ بات ہو رہی ہے، اور یقیناً عاشق بیٹھے ہیں اور عشق کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہاں پہ غالباً علامہ اقبال کا ہی فارسی کا یہ شعر ایڈ کروں گا اور آگے ثنا خاں کی جانب بڑھیں گے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، غالباً علامہ اقبال کا ہی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ پڑھنے کے بعد کیا مشکلات ہیں۔ اس لیے تو آپ نے کہا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ ان ساری چیزوں کو ہم کوشش کریں گے زیر بحث لائیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ جو آج موجود تھے انصاری برادران، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محمد ریاض انصاری صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری، میاں محمد رمضان انصاری صاحب مرکزی صدر، میاں عابد حسین انصاری صاحب مرکزی چیئرمین، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے اس ٹرانسمیشن میں شرکت فرما کے ہمارے لیے ہمیں اعزاز بخشا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ایک ثنا خاں ہیں، تو ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں ہمارے مذہبی اسکالر اور قبلہ مفتی بہرام صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں غزوہ بدر پہ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غزوہ بدر، 313 صحابہ کرام، 313 صحابہ کرام کا عشق، جو صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ عشق دیکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور قبلہ مفتی، یا میں اگر ایک بات ایڈ کر دوں آپ کی بات میں، یہ عشق نہیں آسان، اللہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یقیناً آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور علامہ اقبال کے اشعار ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو علامہ اقبال کے اشعار ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، واہ واہ، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، اور یہ جنت مبارک ہو زاہدوں کو، یا رسول اللہ میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ بس میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ آئیے ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت ثنا خوان
जो डस्का से तशरीफ लाए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद जफर अली कादरी साहब, जो हुजूर की बारगाह में खूबसूरत हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह 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 माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। तो नाज़रीन बात हो रही है ग़ज़वा बदर पे और इश्क पे बात हुई कि ग़ज़वा बदर को मारिका इश्क कहा जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पे रब ने भी मोमिनों से इश्क किया, मोमिनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, और हुजूर ने अपने उम्मतियों से इश्क किया, और तीनों की मिसालें ढेर हैं। अगर कुरान पाक का अंदाज़ देखें, रब ने जो इश्क किया वो क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब दिखाया और तुम्हारे ख्वाब में काफिरों को थोड़ा कर दिया।
और काफरों को ख्वाब दिखाया, उनके ख्वाब में तुम्हें ज्यादा कर दिया, इससे काफरों के दिलों में रोब आया, हैबत हुई और दबदबा पैदा हुआ। अब देखिए ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदों पे करम, और अल्लाह ने ये जो कुरान में कहा वलाकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ने तुम्हारी नुसरत की बदर के मैदान में और तुम जो थे वो बेयारो मददगार थे। अब देखिए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से कितना इश्क किया, और वो मामला कि जब भी जंग में जाया जाता है, जिहाद में जाया जाता है, जो पहले पहुंचता है उसकी ख्वाहिश होती है कि कुएं के पास पड़ाव वो डाले और हमवार जगह पे वो जाए। लेकिन बदर के अंदर जब मामला ऐसा ना हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से पानी बरसाया, जिससे काफरों वाली जो जगह थी वो दलदल बना और मोमिन जो थे उनको राहत मिली। और देखें क्या ये रब का इश्क कम है कि मैदान जंग में, जंग से पहले वाली रात सुबह घुमसान की जंग होनी है और सारे मजे की नींद सोए हों, ये रब का करम नहीं है तो क्या है? जब परेशानी का सामना हो, मुश्किलात का सामना हो, फिर नींद नहीं आती। लेकिन अल्लाह ने उस वक़्त मोमिनों को तसल्ली वाली नींद अता की। कुरान क्या बयान करता है, युगशिकुम नास नुआसा आमानतम मिन्हू, उस ऊँग में, उस नींद में रब की तरफ से अमान था और अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई जिसने तुम्हें पाक किया और तुम्हारे कदमों को वहाँ साबित रखा। तो मैं क़िबला डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि बदर में रब का जो करम आ रहा है ये किस तरह है और किस अंदाज से है। और इसके बाद एक सवाल और ऐड करेंगे, चूँकि शुरू में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जिक्र हुआ, तो बदर के अंदर जो कैदी बन के आए थे उन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का मीह किस तरह बरसा था? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, अभी बात हो रही थी, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये उकदा जो है कुशाई फरमाई कि ये तीन मोहब्बतों की एक खूबसूरत मुसलस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वाबस्तगान के साथ मोहब्बत, असहाब रसूल की अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रब के साथ और अपने असहाब के साथ। सो मेरे करीम आका की ज़िंदगी के बारे में जैसे मैंने इब्तदान हदिया किया कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो रहमत से भरपूर है। सुभानअल्लाह। ये जो बद्र का मार्का है इसमें भी आगे चल के जब हम गुफ्तगू करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें हर लम्हा और हर मरहला जो है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए अंदाज से अपनी रहमत के साथ ज़हूर पज़ीर होते हैं और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए ऐसे लाफानी मिसालियाँ कायम करके जाते हैं जिससे बहुत देर तक जो है रोशनी ली जा सकती है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस वक्त बदर के लिए अभी बात हो रही थी जान निसारी की, तो इकबाल का ही मुझे शेर याद आ रहा था कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बहुत खूब। तो जब कोई अपनी जान इस तरह अपने रसूल रहमत के सुपुर्द करता है ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से उनके लिए रजा की बशारतें जो है उनका नुजूल हुआ करता है। मार्का बदर अपनी सारी हशर सामानियों के साथ और इज़्ज़त अफजाई के साथ जब इख्तिताम पज़ीर होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा पूरी ज़िंदगी जिन गज़वात को अल्लाह के रसूल ने अपनी शिरकत से इज़्ज़त बख्शी, सुभानअल्लाह, जिन जंगों को अल्लाह के रसूल ने अपनी शिरकत से इज़्ज़त बख्शी, उन गज़वात में हुज़ूर का ये मामूल रहा कि जंग के इख्तिताम पर तीन दिन तक हुज़ूर उस मैदान में क़याम फरमाया करते थे। आपका जरी होना जी हाँ, ये आपका शुजा और बहादुर होने पर दलालत करता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में भी तीन दिन रहे और फिर बदर के अंदर एक कुआं बनवाया गया और उसके अंदर उन सबको डलवाया। और फिर हम ये देखते हैं कि ये अरबों की तारीख में कम अज़ कम पहली मरतबा ऐसा हुआ। डॉक्टर ल्यूरेन जेसलर एक सीरत निगार है, उसने ये बात लिखी जो गल्फ़ के ऊपर हिस्टोरियन के तौर पे बड़ा बहुत बड़ी एक्सपर्ट के तौर पे दुनिया भर में माना जाता है। वो ये कहता है कि इससे पहले अरबों की जंग की जो तारीख है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरे मकाम से हमला आवर हो, हमला करने के बाद जंग का सामान और माहौल पैदा हो जाए और शिकस्त खा जाए और फिर वो उनमें से कोई एक शख्स भी ज़िंदगी के साथ वापस अपने काफ़िले को लौट जाए, अपने इलाके को लौट जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। अरब कभी अपने पे हमला करने वालों को शिकस्त देने के बाद वापस नहीं जाने देते थे, उसकी कोई सूरत ही नहीं थी, उनके यहाँ कोई इसका तसव्वुर ही नहीं पाया जाता था। बदर इस एतबार से भी तारीखी हवाले से एक उसका अपना मोतबर हवाला है कि जिसमें पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर एक कामिल और जामे पैगाम लेकर आए, तो हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
جیسے حضور نے حالت امن کے لیے کچھ اصول عطا فرمائے سبحان اللہ, اس لیے حالت اسی طرح حالت جنگ کے لیے بھی کچھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول مرتب کیے, ایسی بہترین اور لازوال مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک کہ دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اکٹھا کیا نا اصحاب کو اور قیدی جو ہے ان کو قید کرنا شروع ہو گئے, حضور جب ان کو حضور نے حکم فرمایا کہ ان کو مدینہ لے چلیں, جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مشکیں کھول دی جائیں. آئے آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, ان بدبختوں کے دلوں میں جو آپ کے خلاف آگ ہے اس نے ان کو مکے میں نہیں رہنے دیا اور یہ وہاں سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے, ان کی مشکیں کھولنے کا کیا مطلب ہے, ہم تو ان کے سر وہاں اتارنا چاہ رہے تھے. میرے کریم آقا نے لازوال فکرہ کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین میرے رسول کی سیرت بیان نہیں کی جا سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں جب تک یہ میدان میں تھے تو یہ ہمارے دشمن تھے, جب یہ مدینے میں داخل ہو گئے تو ہمارے قیدی ہیں, اور کہا کہ جب یہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے تو اب یہ ہمارے مہمان ہیں. اللہ اکبر. انسانی تاریخ میں ایسی شرق غرب کی کسی حوالے میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ دشمنوں کو مہمان بنا لیا جائے. اور ہم ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کا سلسلہ یقیناً جاری رہنا چاہیے, دل تو نہیں کر رہا لیکن وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے تو سلسلہ بھی موقوف کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں تو ان کی جانب بڑھتے ہیں. میں ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علی طفیل ہارونی صاحب سے کہ مختصر وقت میں اپنے مخصوص انداز میں لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں. تھی جس کے مقدر جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اس نے تو کوئی اور تصور نہیں باندھا, اس نے تو کوئی اور تصور نہیں باندھا, ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر, رویا ہوں میں اس شخص
शख्स के पांव से लिपट कर जिसने भी कोई बात बताई तेरे दर की थी जिस के मुकद्दर। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक नन्ही सनाखा मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ उनका कलाम भी शामिल किया जाए। तो अबीहा फ़ातिमा से गुजारिश करता हूँ अपने मखसूस अंदाज में लजपाल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलह अकीदत पेश करें। जब मेरे प्यारे करीम आका मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो कबीला अंसार की बच्चियों ने जो कलाम पढ़कर मेरे प्यारे करीम आका का इस्तकबाल किया, वो आज मैं आपको कलाम सुनाने जा रही हूँ। ज़रा मोहब्बत से समात कीजिएगा। आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, है कदम वो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना, है कदम वो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना, कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना तलाल बदरू अलैना, तलाल बदरू अलैना, तलाल बदरू अलैना, तलाल बदरू अलैना, दिल ने पाई है मुरादे उनकी राहों को सजा दे, गुल बिछाए है सबाने आओ हम आंखें बिछा ले, गुल आज से हुक्म सहर है रात को रात ना कहना, तलाल बदरू अलैना, तलाल बदरू अलैना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना लाए अनवार। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इंतहाई इख्तिताम तक पहुंच चुका है। आखिर में मोहियुद्दीन बरादरान दो नन्हे सनाखा मौजूद हैं, उनका कलाम ऐड किया जाएगा और उनके कलाम के इख्तिताम पे ही आज की नशरियात ख़त्म हो जाएंगी, इख्तिताम पज़ीर होंगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आखिर में मैं डॉक्टर तारिक पीर शरीफ ज़ादा साहिब आपकी जानिब मुतवज्जे होता हूँ। आप कैदियों पर रहमत की बात कर रहे थे और गुजारिश करता हूँ कि अगर एक मिनट में अपनी बात को कम्प्लीट करें ताकि हम इख्तिताम की जानिब पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के बाद जब लोग इकट्ठे हुए तो सहाबा से उसके बारे में राय तलब फरमाई कि इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसे जो जलाली तबीयत के असाब थे, उन्होंने कहा कि जो जिसका जितना करीबी है उसके सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो उसकी गर्दन उतार के आपकी बारगाह में पेश कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा कि फ़िदिये का अगर कोई मामला कर लिया जाए तो इससे यह है कि मुमकिन अल्लाह इनके दिलों को आपकी मोहब्बत में जो है वो महका दे और आपका हिस्सा बना दे, आपके इस काफिले का हिस्सा बना दे। ये कबूल किया गया, फिदिये का मामला किया गया और फिर एक ऐसी अजीम शान और मुनफरिद मिसाल कायम की गई जो मैं समझता हूँ रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए उसके अंदर एक रोशनी मौजूद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फिदिया दे सकता है ठीक है, जो फिदिया नहीं दे सकता वो हमारे 10 और एक रिवायत के मुताबिक 20
बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, तो हम उसे उसके लिए अमान है, उसके लिए मोहब्बतें हमारी तरफ से, वो आप अपने घर वापस पलट सकता है। तारीख हमें ये बताती है कि उनमें से लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं, क्योंकि जो मक्के के लोग थे उनका ज़ौक था लिखने पढ़ने का, उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया। और फिर एक वो खुशगवार रात आई जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन असहाब को इकट्ठा किया इंतहाई इख्तिसार के साथ और कहा कि इन बच्चों की बश करके दिखाई जाए। बच्चों ने लिखना पढ़ना सिखाया, मेरे करीम आका ने कहा तुम्हारे लिए आज़ादी का ऐलान है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे। अब मेरे करीम आका अपने दुश्मनों से क्या बात कह रहे हैं, तुमने जो हमारे बच्चों को इल्म देकर एहसान किया है, अगर चाहो तो आज की एक रात मेरी मेज़बानी कबूल करो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मेज़बानी भी फरमाई। सुबह जिन बच्चों ने पढ़ना लिखना सीखा था ना, उनके वालदैन को इकट्ठा किया और कहा ये तुम्हारे मोहसिन हैं, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया है, तुम इनके साथ मदीने की सरहद तक जाओ इनके इकराम में, और खजूरें शहद और सत्तू उनके साथ सफ़र के लिए ज़रूरतों के तौर पर उनको दिया और कहा कि ये ले जाएँ। तारीख हमें ये बताती है कि उन जो जिन लोगों को इस बुनियाद पे जान बख्शी मिली थी, बशारत मिली थी, उनमें से एक बड़ी तादाद ने हुजूर के हुस्न सलूक की वजह से ना सिर्फ ख़ुद अपने आप को ईमान से मुनव्वर किया, बल्कि अल्लाह ने उनसे और उनकी नस्लों से रहती दुनिया तक के लिए शमा को और फरोज़ा तर कर किया। तो ये मेरे करीम आका की ज़िंदगी की वो खूबसूरत पहलू हैं, रहमत का वो अंसर है जो बदर जैसे एक मार्के के अंदर भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमत से भरपूर नज़र आते हैं। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए हमारे इस नशरियात में। तो अब बढ़ते हैं मुहियुद्दीन बरादरान की जानिब और इनके कलाम पे आज की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगे। अल्लाह